Hi everyone. In last video, I have discussed about the enantiomer. Now in this video, I am going to discuss about diastereomers. Diastereomers बिल्कुल enantiomer जैसा ही है, बस थोड़ा सा opposite हो जाता है. Enantiomer की तरह ही diastereomer भी काफ़ी important है. GOC का छोटे छोटे से ये parts हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चंस के फॉर्म में बन के आ जाते हैं. जैसे इस तरह एम्स में एनेंशियोमर का आया था, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि अब डायस्टेरियोमर्स आ जाए. तो डायस्टेरियोमर बिल्कुल सिंपल है. जैसे कि इनेंशियोमर में स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट मिरर, सॉरी, इनेंशियोमर में जो स्टीरियो आइसोमर्स रहते हैं यानी फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला या डैश वेज फार्मूला जो रहते हैं वो मिरर इमेज होते हैं लेकिन सुपर इम्पोज नहीं होते हैं. वैसे ही डायस्टीरियोमर में बिल्कुल अपोजिट है स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी, स्टीरियोमर आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल वी हैव ये सीस टू ब्यूटीन है और ये हमने ट्रांस टू ब्यूटीन को बनाया है. तो ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो ये मिरर इमेज भी नहीं होंगे एक दूसरे में, तो ये दोनों डायस्टीरियोमर्स हैं. ओके, हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमको समझ में आ जाएगा डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं. ये हमारा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है. तो गाइस इसमें अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इस वाले फॉर्मूले में, तो नंबर वन में दूंगा ऑक्सीजन को, नेक्स्ट ऑक्सीजन हैवी जो है वो सी डबल ओ एच है, उससे नीचे यहाँ पर है एंड फोर्थ नंबर पे ये है. तो इसका अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करूँगा तो ये 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो ये अपोजिट हो जाएगा. तो सी टू यानी टू नंबर के कार्बन पे जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन आया है वो 2R आया है. अगर आपने ये फिशर प्रोजेक्शन वाला है कॉन्फ़िगरेशन नहीं सीखा है तो वो इनेंशियोमर में मैंने सिखा दिया था. अगर मैं इस वाले पार्ट में अगर कॉन्फ़िगरेशन करूँगा तो नंबर वन ऑक्सीजन को, सी डबल ओ एच को, सेकंड थर्ड नंबर अपर वाले को और फोर्थ नंबर हाइड्रोजन को. अब इसका कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 कुछ इस तरह से आएगा राइट साइड, लेकिन फोर्थ हॉरिजॉन्टल पे लाइन हॉरिजॉन्टल पे लाई कर रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन थर्ड नंबर के कार्बन का जस्ट अपोजिट हो जाएगा. सेम इसमें मैं जल्दी से करता हूँ. नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 1 2 3 एस था लेकिन आर हो गया, एच हॉरिजॉन्टल पे है. ओके गाइस, तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन निकल के आया है. तो इसमें डायस्टीरियो आइसोमर में क्या है, दे आर नॉट मिरर इमेज. देखिए 2R जो है 2R ये तो मिरर इमेज होगा, लेकिन 3S 3R नहीं हो पाएगा, तो दे आर नॉट मिरर इमेज इन टू इच अदर. तो ये दोनों डायस्टीरियोमर कहलाएंगे. कुछ और अच्छे से एग्जाम्पल हम देखते हैं. सो गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इसमें हम लोग बहुत वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इस फोर एग्जाम्पल्स में. इस फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला में मैंने नंबरिंग करी है, क्लोरीन को 1 दिया है, सेकंड थर्ड फोर्थ, तो कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज चलना था लेकिन हॉरिजॉन्टल पे था तो वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी सेकंड नंबर का कार्बन R है तो ये 2R है. इसी तरह से मैंने इसको नंबरिंग करके 3S किया है. इसी तरह से मैंने ये चारों को सॉल्व किया है. एक बार इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग. जैसे मैंने नंबर वन क्लोरीन को दिया है, नेक्स्ट टू क्लोरीन मैंने कार्बन को दिया है, नेक्स्ट टू कार्बन ये वाले को दिया है थर्ड एंड फोर्थ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलना था लेकिन हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है तो वो क्लॉकवाइज चलेगा यानी R साइड. तो टू नंबर का कार्बन जो है वो 2R होगा. इसी तरह से नीचे वाले को, और ये मैंने चारों का कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया है. अब गाइस हमको क्वेश्चन पूछते हैं, फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन बताइए इन चार ऑप्शन में से. तो फर्स्ट एंड सेकंड 2R 2S 3S 3R. तो गाइस ये टोटली सुपर इम्पोज नहीं होंगे, दे आर नॉट सुपर इम्पोज इन टू ईच अदर. तो ये हमारी डेफिनेशन क्या कहलाती है, इनेंशियोमर. तो ये हमारा फर्स्ट एंड सेकंड जो है इनेंशियोमर को शो कर रहा है. इसी तरह फर्स्ट एंड थर्ड देखेंगे तो 2R 2R 3S 3R. 2R 2R हमारा मिरर इमेज नहीं होगा लेकिन सुपर इम्पोज हो जाएगा, यानी 2R 2R सेम हो रहा है, तो ये हमारा डायस्टीरियोमर होगा.
इसी तरह से सेकंड और थर्ड हम लोग देखेंगे, 2s, 2r, 3r, 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 3r हमारा मैचिंग हो रहा है, तो यह भी हमारा डायस्टेरियोमर शो करेगा। नेक्स्ट रिलेशन है थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ 2r, 2s, 3r, 3s, टोटली डिफरेंट है, नॉट मिरर इमेज, नॉट सुपर इम्पोज इन टू इच अदर, तो ये हमारा इनेंशियोमर कहलाएगा। सेकंड लास्ट, सेकंड एंड फोर्थ में रिलेशन देखना है 2s, 2s, 3r, 3s, 2s, 2s यानी डायस्टीरियोमर शो करेगा। लास्ट वन, फर्स्ट एंड फोर्थ 2r, 2s, 3s, 3s मैचिंग है, डायस्टीरियोमर शो करेगा। तो इस तरह से सिंपल सा लॉजिक याद रखना है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो हमारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो हमने डायस्टेरियोमर कंप्लीट किया है, पिछली वीडियो में इनेंशियोमर किया था, तो इस तरह से हमने जीओसी के दो टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए हैं। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।